ऋतु मोहन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेजवान चीज़ सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। शेजवान चीज़ टोस्ट बनाने के लिए हमने लिए है कैप्सिकम, अनियन और टमाटो को बारीक चॉप्ड कर लिया है। चीज़ लिए अमूल की, ब्रेड पीस लिए हैं और शेजवान चटनी ली है जिसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। उस पर एक उस पर हम चीज़ लगा लेंगे। पूरी ब्रेड पे हमने चीज़ स्प्रेड कर लिया है। एक पर हम शेजवान चटनी लगा लेंगे थोड़ी सी। ये बहुत तेज़ होती है इसलिए हम थोड़ा सा ही स्प्रेड करेंगे, इसको हल्की सी लगाएंगे। इसी के साथ हम इसमें जो हमने बारीक शिमला मिर्च और अनियन और टमाटो काटा था वो हल्का सा लगा लेंगे इस पर। सॉल्ट डालने की हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेजवान में भी सॉल्ट है और चीज़ में भी सॉल्ट है। अब हम इन दोनों को बंद कर लेंगे। अभी हमने गैस को सिम कर लेंगे। हल्का सा ऑयल हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, इसको रख देंगे, फिर थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर लगा देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसको नीचे प्रेस कर देंगे। गैस थोड़ी सी फ्लेम में तेज़ कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि पैन ज़्यादा, हमारा ग्रिल पैन ज़्यादा गर्म हो गया तो आँच को आप कम कर लीजिए। अब हम इसको पलट लेंगे। आप ज़्यादा क्रिस्पी खाते हो तो उसको ज़्यादा सेक लीजिए और अगर कम क्रिस्पी खाते हैं तो कम सेक लीजिए। हमारा टोस्ट रेडी हो गया है, हम इसको निकाल लेंगे। इसको हम टिश्यू पेपर पर रख लेंगे ताकि अगर इसमें जरा सा भी ऑयल रह गया हो तो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही हम दूसरा शेजवान चीज़ टोस्ट या सैंडविच, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो बना लेते हैं। उसी जैसे हमने पहला सैंडविच टोस्ट बनाया था उसी ही तरह हम इस पे पूरे पे चीज़ को स्प्रेड कर लेंगे। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। वैसे ही हमने एक पर चीज़ लगा लिए और दूसरे पर हम शेजवान चटनी लगा लेंगे। हम इसको शेजवान चटनी को बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर ये ज़्यादा तीखी ना हो जाए। इसके ऊपर हम कैप्सिकम, टमाटो और अनियन को थोड़ा सा जो हमने बारीक चॉप किया है वो फैला लेंगे जैसे हमने पहले टोस्ट के साथ किया था। अब इसके ऊपर जो हमने चीज़ लगाया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे, हल्का सा इसको दबा देंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा देंगे हम। स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा नीचे दबा देंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे। एक सैंडविच को बनाने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। एक साइड से हमारा सैंडविच टोस्ट सिक गया है, दूसरे साइड से हम इसको सेक रहे हैं। हल्का सा इसको उठा के देख लेते हैं कि हमारा दूसरे साइड से सिका या नहीं। दूसरी साइड से भी हमारा डन हो गया है सैंडविच। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम पिज्जा कटर की हेल्प से टोस्ट को काट लेते हैं।
आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने व्यूज़ मेरे साथ बिलो इन द कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करिए। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे सभी लिंक्स पर जो कि मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ हिट लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वेजिटेरियन रेसिपीज, व्लॉग्स एंड माई शॉपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।